So this is the Tang Lang La top, 17,582. So finally reach La Chungla pass, altitude 16,616. But यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा आगे चलते हैं अब. तो फाइनली रीच 12 लाचला पास, एल्टीट्यूड 4850 मीटर. सो राइट नाउ इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग और लुक एट द व्यू फ्रॉम द रूम, अमेजिंग. एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन. आज जो होने वाली है राइड वो हो रही है तोड़ फोड़ वाली राइड, क्योंकि आज कारू से मनाली तक की राइड है, 400 किलोमीटर की राइड, और आधे से ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, आधे से ज़्यादा क्या सारा का सारा ही पहाड़ी एरिया है. तो उसमें दो मेन स्पॉट आएंगे, एक आएगा 12 लाचला पास और दूसरा आएगा अपना अटल टनल. तो अटल टनल 5 बजे तक खुली रहती है, उसके बाद वहाँ पे एंट्री नहीं है, तो ऐसा हमें सुनने में आया है. तो अपन फटाफट से रेडी होंगे, आज जल्दी निकल जाएंगे, और 400 किलोमीटर की राइड बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ और हैक्टिक होने वाली है, इसलिए कल मनाली में करेंगे चिल. तो आज का टारगेट मनाली पहुंचना है, पर उससे पहले देखना है कि रूट खुला है कि नहीं खुला है. तो वो हमें पता जाके चलेगा हुप्शी में जाके वो बताएंगे कि आगे जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा. तो लेट्स रेडी होते हैं फटाफट से और चलते हैं एक और धमाकेदार राइड पर. सो लेट्स रेडी हो चुके अपन, और रेडी होने के बाद अपने को सबसे पहले पहुंचना हुप्शी में. छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो नहीं अभी तक हमें पता, पर सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं. पेट्रोल डलवाने के बाद फटाफट से निकलेंगे. सुना है कि 10 बजे के बाद छोड़ते नहीं हैं ऐसे बंदों को, और वापस जाना पड़ता है, 6 से 10 का ही टाइम है वहाँ से निकलने का. तो वो ऊपर वाली रोड जो है वो है चांगला वाली रोड, वहाँ से हम वापस आए थे कारू, और नीचे जो रोड जा रही है वो जा रही है मनाली की ओर. सो लेट्स गो. दो मेन पास आएंगे, कैलोंग आएगा और मेन तो 12 लाचला आएगा जो बहुत ही हाइट पे है, तो उसे मेन निपटाना पड़ेगा. मैं इस मूवमेंट को कैप्चर किए बिना रह ही नहीं पा रहा, इतना यूनिक और स्टीफ रोड है, मतलब सीधी रोड और सामने व्यू है, लुक एट व्यू, इट्स अमेजिंग. तो यहाँ से अपना हुप्शी है 8 किलोमीटर. हुप्शी में एक बार हुप्शी से निकल के तो उसके बाद टेंशन फ्री, उसके बाद सीधा मनाली. बस कल की तरह आज मौसम ना ख़राब हो, क्योंकि कल जो मौसम ख़राब हुआ था ना उसकी न्यूज़ अभी तक आ रही है कि मनाली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी कल भी, और आज अगर ये न्यूज़ आ गई तो जय माता दी हो जाएगी आज. तो अपना एंट्री हो चुकी है और हमें छोड़ दिया गया, और मौसम पूछा अभी तक तो कह रहे कि सही है, सो नो दिक्कत. तो लेट्स गो. 12 लाचला टॉप का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट एक चीज़ हम जो स्किप कर दिया वो है तांग लांगला टॉप. अमेजिंग टॉप, डेंजरस टॉप, बट मज़ा आने वाली है. 12 लाचला मुझे पता नहीं कि अब रूट पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम कारू से तो आगे निकल चुके हैं, पर वहाँ पे जो बोर्ड का सिंबल बता रहा है वो सिर्फ तांग लांगला टॉप का बता रहा है, तो तांग लांगला टॉप ही सही. पर भाई पूरे लगने वाले पूरी. तो अभी पहुंच गए हम गया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बता रहा है मनाली रूट का वो है 399. आई डोंट नो कैसे मैप में अलग बता रहा है और अपना कहते हैं उसको यहाँ पे अलग बता रहा है. तो जैसे तैसे करके आगे चल रहे हैं, आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब दिखा रहा है. तो लेट्स अभी पहुंच गए हम रूम स्टे में और बहुत बुरे हाल आ गए, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल. यहाँ पर तक स्नोफॉल गिरने लगी है. आलू पराठा है, एक आलू पराठा, तू ब्रेड ऑमलेट, चाय दो, कॉफी है, कॉफी दो, कॉफी कर दो. तो स्नोफॉल फिर से चालू हो चुकी है. जस्ट अभी रुके हम रूम स्टे में, और जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ये स्नोफॉल गिरती रहेगी, और स्नोफॉल इतनी ज़्यादा गिर रही है क्या बताऊँ. लोग यहाँ से जा रहे हैं पर वहाँ से कोई अभी तक आया नहीं है मनाली साइड से, तो वी डोंट नो कि आगे रास्ता खुला कि नहीं खुला. पर अभी जो मौसम है वो यही कह रहा है कि भाई आज ना छोड़ेंगे तुमको.
हाँ तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हल्की हल्की स्नोफॉल तो यहाँ पे भी गिर रही है, पर धूप सूर्य देवता अगर आ गए तो बात बन जाएगी, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रुके, हम यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर सूर्य देवता ने चाहा तो आज मनाली जरूर पहुँचेंगे। तो अभी हमने आ चुका है ब्रेड ऑमलेट, आलू पराठा विद कॉफी। आंटी ये दे देना मुझे और एक पराठा दे देना। धूप निकल चुकी है अभी थोड़ी थोड़ी, तो राइट ना थोड़ा थोड़ा मौसम खुल चुका है, बट पता नहीं कब तक ये मौसम रहेगा ऐसा। तो अपन निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि आगे नाले आने वाले हैं दो तीन, तो उसको भी क्रॉस करना है, तो लेट्स डू इट फास्ट। आगे की अभी तक कंडीशन जो बताई है जिसपा तक तो ओके है, बट पता नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि स्नोफॉल अभी तक तो गिर नहीं रही, सिर्फ अपना कहते हैं सन आ चुका है तो बर्फ होली होली पिघल रही, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा गुड साइन है। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, ये मैंने वहाँ से 150 रुपये के ग्लव्स लिया, और बाकी अपना कहते हैं मैंने रेल लाइनर वगैरह सब कुछ ठूस लिया पहले से ही, ताकि आगे दिक्कत ना हो। बट इस ग्लव्स में देखते हैं ठंडी लगती कि नहीं लगती, कह तो रहे थे कि ठंडी नहीं लगेगी, बाकी भगवान मालिक। लुक एट द स्नो, अभी तो स्नोफॉल है नहीं हो रही है, बट सूरज देवता आने के कारण थोड़ी सी हमारी हेल्प जरूर हो रही है, बट कब तक हेल्प रहेगी ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मौसम बिगड़ने के चांसेस पूरे 50-50 हैं, कभी भी सही और कभी भी ख़राब हो सकता है। तो हमारे लिए जो मेन टारगेट है वो है कि हम चांगला होते हुए उसके बाद सरचू क्रॉस कर ले एक बार किसी तरह, क्योंकि सरचू बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है यहाँ की, तो वो एक बार क्रॉस हो गए तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। स्नो होना और स्नो का ना गिरना दोनों ही बहुत दिक्कत वाला काम है। अगर अब धूप निकल रही तो वैसे वैसे स्नो मेल्ट हो रही है, मेल्ट होकर जब रोड पे आ रही तो रोड और भी ज़्यादा स्लिपरी होती जा रही है, और स्नो से जो भाप बन रही है ना उससे कहीं कहीं जगह तो रास्ता दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्श होती जा रही है, बिल्कुल ही हार्श उसके नाम पे। तो राइट ऑफ अभी पहुंच चुके हैं हम तंगलंगला, यानी कि कितनी फीट पे है, 17,582 फीट पर। सो वन मोर माइलस्टोन अचीव्ड। सो ब्रो मजा आ गई पूरा का। सो दिस इज द तंगलंगला टॉप 17,582। अब इसके बाद जो स्लोप आएगा वो आएगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर स्लोप जाने के बाद फिर आएगा स्लोप सरचू का। तो निकल चुके हैं हम अपने पांग के लिए, और सामने की जो रोड है वो एक नंबर खूबसूरत जबरदस्त और मज़ेदार रोड है बिल्कुल, और सारी की सारी प्लेन रोड है, बट थोड़ी देर में फिर से अपना स्टीप ऊपर की ओर जाने का मौका हमें दोबारा मिलेगा, तो चलते रहिए मेरे साथ दोबारा। तो फाइनली रीच पांग, और अपना ये सामने खूबसूरत वैली है पांग, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन यहाँ पे अपना लंच करेंगे और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि सरचू भी पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स यहाँ पे करते हैं हल्का फुल्का लंच और निकल जाते हैं आगे की ओर। राइट नाउ वी रीच पांग, एंड द पांग इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ अभी हम रुकेंगे 15-20 मिनट्स, पर क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ पे कर लूँ रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद अपन क्या बोलते हैं उसको निकलेंगे यहाँ से जिसपा की ओर सरचू होते हुए। जिसपा यहाँ से बता रहा 180 किलोमीटर, यानी 2:00 हो रहा, तो 6:00 को हम जिसपा पहुँच जाएंगे एज मुझे लगता है, जैसे कि बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। ओहो क्या धमाकेदार वाली राइड हुई है आज लास्ट के 40 किलोमीटर्स पांग तक की, बट नाउ ऑल टाइट। अभी मैं 15-20 मिनट यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से खा के निकल जाते हैं आगे को ना। हमें एक प्लेस मिल गई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए पांग में, तो ये भाई साहब यहाँ पे गिरे पड़े हैं भाई, 15 मिनट सोते हैं मस्त, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैं भी लगाऊँ सोने यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो डन विद द पांग, तो यहाँ से निकलने लगे हैं, पूरी तरह से थके हुए हैं।
बहुत बुरी हालत है, बट लेट्स गो, अब आगे निकलते हैं। आगे 3 मेजर पास और आने हैं। डन विद द पार्क और उसके बाद फिर से वही ऊबर खाबर सड़कें देखने को मिल रही है अभी हमें, और बट ये अभी आगे जा रही है एक और पास की तरफ, तो सीधा सुबह ऊपर स्लोप की तरफ चलते हैं। तो मेरे सामने फिर से हल्की हल्की बर्फ़ दिखने लगी है लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल बर्फ खाई बहुत ज़्यादा ही गहरी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और पहाड़ तो यू नो वेरी वेल कि लद्दाख के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। सो फाइनली रीच लाच चुंगला पास, अल्टीट्यूड 16,616, पर यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा आगे चलते हैं। अब लेट्स गो। सो जस्ट क्रॉस्ड 1 पास, नाउ अब दूसरे पास की ओर चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो एक एक करके सारे के सारे पास तो बहुत ज़्यादा टफ है, गोप्रो भी साथ नहीं दे रहा पूरा का पूरा, बट यहाँ स्पीड रह रही है 20, 25, 30, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रह पा रही है, 30 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, ओनली 20, 25, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ही गंदी है। तो ये अगला जो पास आने वाला है ये है दारचूला पास, या दारचूला ऐसा ही कुछ नाम है उसका। इतनी गंदी रोड है दारचूला वाली, क्या बताएं। उसके बाद आएगा सारचू। सो ये क्रॉस होने के बाद ऑल सेट हो जाएगा। फाइनली रीच नकीला एल्टीट्यूड 15,547, बट हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक और पास आना है अभी दारचूला। तो इस सारे एरिया को कहते हैं घाटा लूप्स होते हैं, अपने आप में क्रिस क्रॉस होते हैं। तो ये सबसे मुश्किल होते हैं यहाँ से निकलना, क्योंकि हर मोड़ पे आपको स्लो 20-25 की स्पीड में चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद अगला मोड़ फिर से आ जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मोड़ आते रहते हैं, और आधे से ज़्यादा तो ब्लाइंड टर्न होते हैं, इसलिए 20-25 की स्पीड से ज़्यादा आप चला नहीं सकते। दूसरा, सामने से अगर कोई ट्रक आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर घाटा लूप एंड होता है, बहुत ही डेंजरस है घाटा लूप्स, क्रिस क्रॉस करके सारे घाटा लूप सब कवर हो चुके हैं। नाउ यहाँ से रह गया है अपना सरचू 223 किलोमीटर। ओहो, घाटा लूप्स ने तो सच्ची में बैंड ही बजा दी हमारी। तो लगता है सरचू पहुंचने से पहले पहले को लगता है भगवान सरप्राइज दे देंगे, क्योंकि इंद्रदेव प्रकट हो चुके हैं और पूरी तरह से बादल ऊपर छाए हुए, क्या पता बारिश हो जाए। तो यहाँ से 6 किलोमीटर है सरचू, तो किसी तरह फटाफट पहले वहाँ पहुँचा जाए, क्योंकि कहीं इंद्रदेव बरस गए तो, वैसे तो रेन कवर डाला हुआ बट तब भी फॉर सेफ साइड। सरचू हम ज़्यादा नहीं रुके, सरचू यहाँ से है थैंक्स फॉर विजिट। तो सरचू हम क्रॉस करने लगे हैं, तो मनाली है यहाँ से 222, 170 यहाँ से है रोहतांग पास, पर हमने रोहतांग पास नहीं जाना, हम डायरेक्ट आगे निकल जाएंगे। तो लेट्स सारचू हमने क्रॉस कर लिया है, तो अब इसके बाद जा रहे हैं हम ज़िगज़ैग की तरफ। ज़िगज़ैग पार पहुंचने के बाद अपना हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल के और भी ज़्यादा करीब। तो फिर सफ़र ने तो बहुत बुरी तरीके से थका दिया, बस अब एक 12 लाचला कवर करना है। तो फाइनली रीच्ड 12 लाचला पास, एल्टीट्यूड 4850 मीटर, और ये आखिरी मतलब डेंजरस जो पास कहते हैं वो था। अब इसके बाद नीचे सीधा स्लोप की ओर ही जाना है, आगे कोई और पासेस नहीं आने वाले, अब सीधा हम पहुंचेंगे यहाँ से सीधा जिस्पा। तो लेट्स चलते हैं।
तो एक चंडीगढ़ की गाड़ी ने ऐसे गाड़ी फंसा ली है यहाँ पर कि इतना ज़्यादा तगड़े वाला ट्रैफिक जाम हो रखा है। मैं सोच रहा था कि साइड से हल्का फुल्का निकल जाए, बट निकलने के कोई चांसेस दिख ही नहीं रहे मुझे। तो देखते हैं अब कैसे है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम की खोटी हो रही है वैसे ही। तो राइट नाउ रीच चिस्पा और सबसे पहला काम हमारा हो रहा है होटल ढूंढने का। फटाफट से होटल ढूंढते हैं और उसके बाद अपन थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। राइट नाउ इज 11 o'clock इन द मॉर्निंग। आज क्या जबरदस्त वाली नींद पड़ी है हमें, मतलब एक नंबर मजा आ गई। तो अभी हमें जिस्पा अपने कैंप स्टे में, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल के व्लॉग के बाद मतलब रात को क्या जबरदस्त वाली नींद आई है जिस्पा में, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मास्कमा टेक केयर एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू माई लवली फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से, क्योंकि हम जाने लगे हैं थोड़ी देर में मनाली। तो मनाली व्लॉग ऑन।